Assalamu alaikum 3 class, how are you? I hope you will all be fine. Today is our first online lecture of New Active English. Now open your books and go to the page number 39. Page number 39. Unit number 8. Mid position adverbials. Adverbials, जैसे मैंने आपको already class में भी बताया था कि जो adverbials हैं उसमें हम हमारे पास तीन चीज़ों का आंसर होता है, और तीन चीज़ें कौन सी हैं? हाउ, व्हेन एंड वेयर. हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, ठीक है. और ये जो पेज बेसिकली है ना, ये हमारे पास उन्होंने हमें दिया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से कहते हैं इसको, ऑलवेज, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, इनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. मीन्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, कि एक काम कितनी दफ़ा हुआ है. जैसे आपसे एक सिंपल मैं क्वेश्चन पूछूं, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल, डू यू एवर गो टू स्कूल, तो आप आंसर में कह सकते हो येस आई गो टू स्कूल रेगुलरली. रेगुलरली मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, ठीक है. और जैसे डू यू एवर राइड अ बाइसिकल, क्या आपने कभी बाइसिकल चलाई है. अगर आपने चलाई है तो आप कह सकते हो येस आई यूजुअली राइड अ बाइसिकल. अगर आपने कभी नहीं चलाई है तो आप बोल दोगे नो आई नेवर राइड अ बाइसिकल. कभी कभी चलाते हो तो आई समटाइम्स राइड अ बाइसिकल. इट ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये शो करते हैं कि आपने कोई काम कितनी बार किया है, किस रूटीन से कर रहे हो. हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, जैसे आप बोलो कि आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं हमेशा अपना वक्त जो है वो मैं अपना काम अपने वक्त पर करता हूँ, ठीक है. तो यहाँ बेसिकली उन्होंने हमें दिए हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स. अब इसी तरह एग्जाम्पल में मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, डू यू एवर गो टू द पार्क, क्या कभी आप पार्क जाते हो, तो आप क्या कहेंगे. अगर आप रेगुलरली रूटीन से रोज़ाना जाते हैं तो आप कहोगे आई गो टू पार्क रेगुलरली. आई यूजली, बेसिकली बच्चों के लिए, बच्चे तो जाते रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई यूजली गो टू द पार्क. आई अगर ओफन होता है अक्सर, आई ओफन गो टू द पार्क. आई समटाइम्स गो टू द पार्क. और अगर आप कभी भी नहीं गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हो नो आई नेवर गो टू द पार्क. ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजली जो काम हम अक्सर करते हैं, नॉर्मली रूटीन में कर लेते हैं, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभार, नेवर कभी भी नहीं. अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस, ये हमारे पास उन्होंने कॉलम्स दिए हैं, हमने इनको यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने हैं. इन द मॉर्निंग आई ऑलवेज सी, क्या देखते हो रोज़ाना सुबह. आई ऑलवेज सी अ कार, आई थिंक गाड़ियाँ होती हैं और मोटर बाइक्स होती हैं तो हमेशा गाड़ियाँ नज़र आती हैं, ठीक है. इन द मॉर्निंग आई यूजली, आमतौर पर क्या देखते हो. आई यूजली सी एन एरोप्लेन. अगर कोई और चीज़ आप देखते हो तो आप वो बोल सकते हो. इन द मॉर्निंग आई ऑफन सी अ टोंगा, अक्सर टांगा नज़र आता है. इन द मॉर्निंग आई समटाइम्स सी अ हॉर्स, कभी कभार घोड़ा भी नज़र आ जाता है. इन द मॉर्निंग आई नेवर सी अ बस. आप इनको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है. ये नॉर्मल रूटीन में है कि आपने कौन सी चीज़ कितनी उसमें कितनी बार देखते हो, तो यू कैन चेंज योर सेंटेंसेस. अब इसी तरह हम आगे आ जाते हैं. अब बुक शॉप, अब बुक शॉप ऑलवेज सेल्स, क्या बेचती है भाई बुक शॉप पे, क्या होता है. अब बुक शॉप ऑलवेज सेल्स बुक्स, ठीक है, बुक शॉप पे बुक्स होंगी. अब बुक शॉप यूजली सेल, आमतौर पर स्कूल बुक्स भी होती हैं. अब बुक शॉप ऑलवेज सेल्स स्कूल बुक्स. अब बुक शॉप ऑफन सेल्स राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर भी बेचते हैं ऑफन अक्सर. अ बुक शॉप समटाइम्स सेल्स न्यूज़पेपर, समटाइम्स यानी कभी कभार न्यूज़पेपर भी बेच देते हैं. अ बुक शॉप नेवर सेल्स
अमीर बुक शॉप से हमें गोश्त तो कभी नहीं मिलेगा ना, इसलिए हम वहाँ पर उसके लिए नेवर का वर्ड यूज़ करेंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही आपने ये आगे तीन इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम लोग ये काम क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑलवेज, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, रेगुलरली, एटसेट्रा। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए उनका आंसर देना है। जैसे मैं आपसे पूछूं, डू यू एवर कुक बिरयानी, क्या आपने कभी बिरयानी पकाई है? जल्दी से बताएं, मुझे पता है कभी किसी ने नहीं पकाई है ना, सिर्फ खाते हैं, मामा पकाती हैं। चले, तो अगर मैं आपसे पूछूं डू यू एवर कुक बिरयानी, तो आप क्या कहोगे? नो, आई नेवर, आपने कभी खाना नहीं ना बनाया, कुक फूड। आई नेवर कुक बिरयानी, आई नेवर कुक फूड, क्योंकि आप अभी छोटे हो, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे, आप मुझसे पूछो डू यू एवर कुक फूड, तो मेरा रिप्लाई क्या होगा? मैं तो अक्सर पकाती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई यूजली कुक फूड, ठीक है। येस, आई यूजली कुक फूड, हाँ मैं अक्सर खाना पकाती हूँ, आम रूटीन में खाना बनाती हूँ। अगर रोज़ाना बनाती हूँ तो मैं कहूँगी आई रेगुलरली। अब जैसे यहाँ पर है, डू यू एवर राइड ऑन अ बाइसिकल, क्या आपने कभी क्या आप बाइसिकल चलाते हैं, क्या आपने कभी बाइसिकल चलाई है? येस, आई समटाइम्स राइड ऑन अ बाइक, बाइसिकल, समटाइम्स, कभी कभी। येस, आई ऑफन, अक्सर, और अगर कभी नहीं चलाई तो आप क्या बोलोगे? नो, आई नेवर राइड ऑन अ बाइसिकल, मैंने कभी भी बाइसिकल नहीं चलाई। डू यू एवर राइड ऑन अ बस, अब बताएं जी बस पे सफ़र किस किस ने किया हुआ है? अब इट्स अप टू यू, अगर आपने किया है तो आप बोलोगे, अगर आप रोज़ बस पे कहीं जाते हो तो आप बोलोगे येस आई रेगुलरली, आई ऑलवेज, आई, और कभी कभार, आई समटाइम्स, अक्सर अगर बस पे कहीं जाते हो तो बोलोगे आई ऑफन राइड ऑन अ बस, और अगर कभी भी आपने बस पे सवारी नहीं की तो आप बोल दोगे नो आई नेवर राइड ऑन अ बस। डू यू एवर राइड ऑन अ चोंगा, ये तो आई थिंक कोई भी नहीं बैठा होगा, क्योंकि आप तो टोंगास होते ही नहीं हैं, आप तो ऑटो रिक्शा चलते हैं। डू यू एवर राइड ऑन अ चोंगा, नो आई नेवर राइड ऑन अ टोंगा। डू यू एवर राइड ऑन अ ट्रेन, आप में से कभी किसी ने ट्रेन पर सवारी की है? येस आई समटाइम्स, आई, येस आई ऑफन, आप खुद देखेंगे कि आपने यहाँ पर कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है। येस आई समटाइम्स राइड ऑन अ ट्रेन। डू यू एवर राइड इन एन एरोप्लेन, नो आई नेवर राइड ऑन राइड इन एन एरोप्लेन। आई ओफन राइड, येस आई ओफन राइड इन एन एरोप्लेन। डू यू एवर राइड इन अ कार, येस आई यूजली राइड इन अ कार, ठीक है। आप जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाकर हमें आंसर दोगे वो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम आगे चलते हैं, नीचे प्रैक्टिस है, आस्क योर फ्रेंड्स क्वेश्चंस, यूज एवर। क्वेश्चन में हमने एवर यूज़ करना है, और जब क्वेश्चन में एवर आ जाए, क्वेश्चन में एवर का यूज़ होगा, तो ये आपने टिप यूज़ जहन में रखनी है। क्वेश्चन में एवर आएगा तो आपने आंसर में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है। डू यू एवर प्ले फुटबॉल, येस आई ऑफन प्ले फुटबॉल, नो आई नेवर प्ले फुटबॉल। Do you ever swim in the sea? No, I never swim in the sea. अगर आप में से किसी बहादुर बच्चे ने स्विमिंग सी में की है तो आप कह सकते हो येस आई ऑफन, आई समटाइम्स, जब कभी कराची जाना हो, बेसिकली तो मोस्टली बच्चों का होगा नो आई नेवर स्विम इन द सी। डू यू एवर स्विम इन अ रिवर, अब ये आप पर है, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं बोलूँगी नो आई नेवर स्विम इन द रिवर। Do you ever go to the cinema? क्या आप कभी सिनेमा गए हो? Yes, I sometimes go to the cinema. No, I never go to the cinema. Yes, I sometimes go to the cinema.
अब बाकी भी आपने ये राइड अ हॉर्स, रीड अ बुक, डू यू एवर राइट अ लेटर, डू यू एवर गो टू मनोरा, डू यू एवर राइट विद अ पेंसिल, ये तो होगा ना. यस आई रेगुलरली, आई ऑलवेज राइट विद अ पेंसिल. डू यू एवर राइट विद अ पेंसिल, क्या आप पेंसिल से लिखते हो? तो आप तो हमेशा पेंसिल इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या बोलोगे? यस आई ऑलवेज राइट विद अ पेंसिल, मैं हमेशा पेंसिल से ही लिखता हूँ. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आज के लेक्चर में हमने सीखे, मीन्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स. इसकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी थी. आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ऑन टाइम. आई रेगुलरली गो टू स्कूल. होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. आपने लेक्चर अटेंड करने के बाद अपनी मामा के पास बैठकर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखना है. अल्लाह हाफिज़.